एस न्यूज गांव की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का कार्रवाई जनपद भदोही के ब्लॉक अबोली में स्थित दानपुर पूर्व पट्टी गांव पहुंचा। ग्रामवासियों ने दिनेश कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। यहां के प्रधान के भरकस प्रयासों से यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो मौजूदा हालात में 20 हैंडपंप, विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 8 सोलर लाइटें भी गांव में लगी हुई हैं। वहीं वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, चक्रोड, तालाब व स्कूल में मरम्मत कार्य के साथ साथ अपनी देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 176 इज्जत घरों, 14 प्रधानमंत्री आवास का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में विद्यालय की बाउंड्री, खेल का मैदान, पंचायत घर की बाउंड्री, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारे गांव सभा में कराए गए कार्यों में खड़ंजा का, नया खड़ंजा और आवास का, शौचालय का और खड़ंजा मरम्मत कराया गया, पंचायत भवन का, विद्यालय का, विद्यालय में इंटरलॉकिंग टाइल्स काम हुआ और विद्यालय को मॉडल बनाने के लिए हमारी सोच है और विद्यालय का बाउंड्री वॉल भी नहीं हुआ है अभी और हमारा गांव सभा मार्केट में पड़ता है, दानोपुर, चार पांच गांव के बीच में हमारा दानोपुर मार्केट है। यहां स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है हमारे यहां और जो भी भविष्य में काम कराए जाएंगे भी नाली के निर्माण कराना है, खड़ंजे का निर्माण कराना है और आवास अभी लाभार्थी बहुत छूट गए हमारे यहाँ, लगभग 50 लगभग आवास हमारे यहाँ पत्ता की सूची में है, उनको आवास दिलाने का कार्य है।